नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे ड्रिल मशीन उनके पार्ट के बारे में तथा तीन ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण से ड्रिल मशीन जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं इसके पार्ट को कि ड्रिल मशीन में क्या क्या होता है। तो इसको पहले अलग कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट को वो हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला पार्ट ये चक है, जहाँ पर बिट लगता है, ड्रिल बिट लगता है। और ये एक गियर होता है जहाँ से पावर ट्रांसमिशन होता है। दूसरा पार्ट ये आर्मेचर होता है ड्रिल का, जो कार्बन, यहाँ पर कार्बन बस के द्वारा कांटेक्ट में रहता है, इस प्रकार से रह। तीसरी पार्ट ये स्टेटर है ड्रिल मशीन का। और ये चौथा, और ये ऑन ऑफ स्विच है। और एक लीवर होता है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ड्रिल को घुमाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि वो तीन कारण क्या हैं जिसके कारण ड्रिल मशीन जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। पहला कारण ये है दोस्तों, स्पार्किंग होता है ड्रिल मशीन में। वो स्पार्किंग के कारण ड्रिल मशीन का आर्मेचर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आर्मेचर की इस पार्ट में काली परत जम जाती है तो स्पार्किंग होने लगती है, क्योंकि इसमें कार्बन की परत जम जाती है। तो सबसे पहले स्पार्किंग को दूर करने के लिए आप इसे साफ कर लीजिए एमरी पेपर से, उसके बाद स्पार्किंग होना बंद हो जाएगा। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि आप जब ड्रिल मशीन को उसके कैपेसिटी से ज़्यादा लोड देकर चलाते हैं तो स्टेटर और आर्मेचर दोनों गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण स्टेटर का वाइंडिंग जल जाता है और ड्रिल मशीन जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ध्यान इस बात का हमेशा रखिए कि आप ड्रिल मशीन के लोड को ध्यान में रखकर ही चलाइए और इसके कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ना दें। तीसरी कारण एक बात और है दोस्तों कि आप ड्रिल मशीन को कंटिन्यू 3 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं। 3 मिनट से ज़्यादा चलाने पर ये ड्रिल मशीन का आर्मेचर और स्टेटर दोनों गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण ड्रिल मशीन जल्दी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ड्रिल मशीन को कंटिन्यू 3 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं, रोक रोक कर चलाएं, जिससे ड्रिल मशीन ठंडा होते रहे और ड्रिल मशीन आपका लंबा समय तक चलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।